सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है जेनरिक जेनरिक का मतलब क्या होता है जेनरिक का मतलब होता है जनरलाइज्ड जनरलाइज जनरलाइज का मतलब क्या अब जैसे मान लो हम कोई मेथड बनाते हैं अब मैं एग्जांपल देता हूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा सपोज करो मैं यहां पे काम करता हूं मैं यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ मान लो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ और मेथड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ void मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ void डिस्प्ले और इस डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग या मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ int n ठीक थी? अब अभी मैं यहाँ पे एन को डिस्प्ले करवाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं आदि मान लो मैं यहां पे बोलता हूं मैसेज बॉक्स डॉट सो और मैं यहां पे बोलता हूं एन डॉट टू स्ट्रिंग अभी मैं इसको स्ट्रिंग इस में कन्वर्ट कर दूं और मैं इस फंक्शन को यहां पे कॉल कर लेता हूं तो सीधी सी बात है जब भी आप इसको कॉल करोगे तो कॉल करते वक्त यहां पे क्या डालोगे नंबर डालोगे और नंबर डालोगे ये अपना काम करेगा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई आपने फंक्शन बनाया आपने कॉल करते वक्त यहां पर नंबर डाला और वो अपना काम कर रहा है लेकिन अब यहां पर एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि तुम यहां पर केवल नंबर डाल सकते हो वाट आई एम लुकिंग फॉर कि भाई यदि मैं स्ट्रिंग डालूं तब भी वो काम करे यदि मैं नंबर डालूं वहां पे वो तब भी काम करे तो मुझे ये काम करना है तो अभी क्या है ये जो तुम्हारा फंक्शन है ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक है का मतलब ये केवल इंटीजर वैल्यूज के साथ काम करेगा लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पे मैं कुछ भी दे दूं तो वो काम करे तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पे जेनरिक मैथड बना सकता हूँ ये देखो आ गया हमारा अब मैं यहाँ पे जेनरिक मैथड बनाना चाहता हूँ जेनरिक मैथड अब बनाओगे कैसे तो जेनिक मेथड बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना यहां पे यूज कर लो टी टी मतलब टैंपलेट टी का मतलब टैंपलेट और जहां पे तुम इंट लिख रहे हो ना इंट की जगह यहां पे टी लगा दो इंट की जगह यहां पे टी लगा दो ठीक अब यदि मैं यहां पे इंटीजर दूंगा ये तब भी काम करेगा और यदि मैं यहां पे स्ट्रिंग लेके दूंगा ये तब भी काम करेगा ये देखो मैं यहां पे स्ट्रिंग लेके दू तब भी काम करेगा यदि मैं यहां पे नंबर लेके दू वो तब भी काम करेगा ये देखो अरे मैं इसको रन करता हूं तो ये दोनों केस में काम करेगा चाहे वो स्ट्रिंग डाल दो चाहे टीजर डाल दो चाहे फ्लोट डाल दो अब जो भी वैल्यू दोगे वो दोनों वैल्यूज को लेकर काम करेगा तो ये जो मैथड हम बनाते हैं इसको हम बोलते हैं जेनरिक मैथड जेनरिक कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे तुम टी लिखो यहां पे तुम एक्स लिख दो वाई लिख दो लेकिन टी का मतलब होता है टैंपलेट तो लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है तो हम भी उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तो हमने यहाँ पे जेनरिक मेथड बना लिया तो जेनरिक मेथड का ये हमारा एग्जाम्पल है जेनरिक मेथड में हमें कुछ नहीं करना जहां पे तुम मेथड बनाते हो उसके साथ तुम्हें वहां पे क्या लगा देना है वहां पे लगा देना है यहाँ पे ये टी लगा देना है तो वो हमारा जेनरिक हो जाएगा पहली चीज दूसरी चीज अवधि में यहाँ पे जिस तरह से मैंने जेनरिक मैथड बनाया है इसी तरीके से हम यहाँ पे अब तुम बोलोगे सर ये जेनरिक मेथड तो ठीक है अब ये बता दो सर इसका यूज क्या है क्यों यूज करेंगे हम ये जेनरिक मैथड अब इसका यूज़ क्या है सपोज करो मैं यदि मैं तुमसे बोलता हूँ कि भाई ये काम करो आपको एक मैथड बनानी है मैथड के अंदर में यू नीड टू पास द नंबर और एक मैथड ऐसी बनानी है जिसमें आपको स्ट्रिंग पास करनी है तो मतलब केवल डेटा टाइप ही तो चेंज करना है मुझे तो डेटा टाइप अभी चेंज करना है यदि मैं जेनरिक यूज़ ना करूं तो मैं इस काम को कैसे करूंगा यदि मान लो मैं जेनरिक यूज़ ना करूं तो इस काम को मैं कैसे करूंगा मैं यहां पर मेथड ओवरलोडिंग यूज कर लूंगा करूंगा ना का मतलब क्या हो जाएगा भाई दो मेथड बनाओगे और दो मेथड में सब कुछ सेम है अब जरा गौर से देखो केवल डिफरेंट होने के कारण क्या करना पड़ रहा है ओवरलोडिंग करनी पड़ रही है मैथड ओवरलोडिंग और मैथड ओवरलोडिंग में तुम्हें ये नहीं लगता कि हो रही है बार बार आप उसी चीज को लिख रहे हो भाई आपको डेटा तो चेंज करनी है तो लोगों ने बोला भाई आप एक काम करो डेटा टाइप अभी चेंज करनी है आपको और बाकी अपना फंक्सिलिटी सेम है हमारा तो हमें मैथड ओवरलोडिंग करने की जरूरत नहीं है इन द प्लेस ऑफ मैथड ओवरलोडिंग हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे जेनरिक यूज कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा अरे हम यहाँ पे जेनरिक डाल दें तो हमारा काम हो गया अरे मैं यहाँ पे जेनरिक लगा दूँ तो हमारा काम हो गया जेनरिक लगाना भी आसान है मैं यहाँ पे टी डाल देता हूँ अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे नंबर डाल दूंगा तो नंबर के लिए काम करेगा और यदि मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँ तो नंबर के लिए काम करेगा यदि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दूँ तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए काम करेगा तो इस तरीके से हम बनाते हैं जेनरिक मैथड जेनरिक मैथड बनाने का फ़ायदा क्या है ये मैथड ओवरलोडिंग को कोवॉइड करता है ये मैथड ओवरलोडिंग जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है आप उसको एवॉयड करते हो एवॉइड मैथड ओवरलोडिंग मैथड ओवरलोडिंग बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी होती है भाई कोड की अननेसेसरी साइज तो बढ़ती ही है और मल्टीपल मेथड्स होते हैं हमारे पास तो परफॉर्मेंस भी डिग्रेड होता है तो जेनरिक का यूज़ करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं ठीक तो ये जो अभी तुमने बनाया ये क्या बनाया अभी तुमने बनाया जेनरिक मेथड इसी तरीके से हम यहाँ पर जेनरिक क्लास भी बना सकते हैं जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लास ए और इस ए क्लास के अंदर में इस ए क्लास के अंदर में मान लो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं बोलता हूँ आई एन टी एक्स अब इस x में मुझे वैल्यू देनी है या वैल्यू लेनी है तो मैं एक प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं बोलता हूँ पब्लिक आई और मान लो मैंने राम के नाम से एक प्रॉपर्टी बना दिया ठीक और इस राम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे बोल दिया गेट और मैंने यहाँ पे बोल दिया सेट ठीक आपने गेट और सेट यहाँ पे लगा दिया गेट में आप यहाँ पे क्या बोलोगे गेट में आप यहाँ पे बोलोगे रिटर्न एक्स जो एक्स है वो रिटर्न करवा रहे हो सेट में क्या बोलोगे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक्स इजिकल टू वैल्यू ठीक वैल्यू हमारा की वर्ड है यहाँ पे जो हमने डाल दिया तो अब जरा गौर से देखो ये जो मेथड ये जो तुम क्लास बना रहे हो और ये जो राम यूज़ कर रहे हो अभी मैं इसे यहाँ पे यूज करूँ तो कैसे यूज करूंगा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं बोलता हूँ ए जेड इज इक्वल टू न्यू ए और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जेड डॉट राम इज इक्वल टू आपने वैल्यू डाल दिया है यहाँ पर और मैं उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ जेड डॉट राम लेकिन अब समस्या ये है कि ये जो तुमने प्रॉपर्टी बनाई है ये प्रॉपर्टी जो है ना वो केवल अब देखो ये एरर दे रहा है क्यों एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे ये इंटीजर है तो मुझे इसे क्या करना होगा इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग अब अवधि रन करूँ यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या एरर आगे सेमी कॉलन कहीं मिस कर रहा है तो लगा दो भाई कहामी कॉलन मिस कर रहा है ऊपर में ही मिस कर रहा होगा ओ यहाँ मिस कर रहा हैं भाई साहब ये चलो तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आपने एक क्लास बनाया क्लास के अंदर तुमने इंटीजर पास किया और अपना काम करवा रहे हो लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी दे दूं तो वो काम कर दे तो मुझे जेनरिक क्लास बनाना है तो जेनरिक क्लास बनाने के लिए फिर यहाँ पे क्या लगा दोगे टी और जहां जहां तुम इंट लिख रहे हो ना वहां पर टी लगा दो जहाँ तुम इंट लिख रहे हो वहां पर टी लगा दो टी मतलब टैंपलेट कुछ भी ले सकते हो कोई जरूरी नहीं है लेकिन लोगों ने इसको एक स्टैंडर्ड बना रखा है अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त तुम्हें यहाँ पे बताना होगा तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए और यहाँ पे तुम्हें टी के जगह रिप्लेस करना होगा डेटा टाइप से मैं बोलता हूँ ए एंटीजिकल टू न्यू और इस तरीके से यहाँ पे उसको आपको रिप्लेस करना होगा जो भी आपका डेटा टाइप है इससे ठीक अब यदि मैं इसको रन करूं अब वो हमारा अपना यहाँ पे काम करेगा अब मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर रहा हूँ इंटीजर के जगह मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को पास करूँगा तब भी काम करेगा ये देखो सब काम कर रहा है अरे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँ तब भी हमारा ये काम करेगा ये मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा ये हमारा तब भी काम करेगा मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करता हूँ अब अभी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँ मैं रन करूँ इसको ये अपना तब भी काम कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जेनरिक है जेनरिक का फ़ायदा यही है जेनरिक का मतलब होता है जनरलाइज्ड ये एरर आ गया भाई साहब बड़ी अच्छी चीज़ है ये और तो यहाँ पर एरर आएगी ना आपने स्ट्रिंग ले रखा है तो डबल कोटेशन में डालो इस वैल्यू को इस वैल्यू को यहाँ पर डबल कोटेशन में डालो और यदि मैं इसको रन करता हूँ तो ये यह हमारा यहाँ पर काम करता है तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जेनरिक का मतलब होता है जनरलाइज्ड नॉर्मली इसका फ़ायदा क्या है इसका फ़ायदा यह है कि भाई आप चाहते हो जैसे हम लोग एक ही कोड को करने के लिए बार बार हम लोग क्या कर लेते हैं हम लोग बार बार जो है मेथड ओवरलोडिंग वगैरह करते हैं तो उस चीज़ से इग्नोर करता है मतलब तो ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ये हमारा जेनरिक मेथड का है ये हमारा जेनरिक मेथड का एग्जाम्पल है और अब हम यहाँ पे जेनरिक क्लास यूज कर रहे हैं तो मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जिससे कि मैं ये नोट्स आपको बाद में दे दूँ तो आपके लिए ये काम का हो जाए और मैं इसको यहाँ पे और जब भी आप यहाँ पे जेनरिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको क्या करना होगा यहाँ पे बताना होगा भाई आप क्या पास करना चाह रहे हो है ना यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे उसे कॉल करोगे तो जब भी आप यहाँ पे कॉल करोगे तो आप यहाँ पे ये यह लिखोगे कि भाई किसे कॉल करना है और उसके हिसाब से वो अपना कॉल करेगा याद रखना जो हमारी डॉट नेट है जो हमारी सी शार्प है सी शार्प के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो हमारी जेनरिक होती हैं तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जेनरिक का मतलब क्या है अब देखो जैसे मान मैं लो मैंने तो अब जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है अब ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप जो है ये जेनरिक का ही एग्जाम्पुल है जैसे यहाँ पर कलेक्शन होता है मैं अभी बताऊँगा आपको ये जो कलेक्शन है ये भी जेनरिक का ही एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास यहाँ पे लिस्ट होता है ये लिस्ट भी जो है वो जैनरिक का ही एग्जाम्पल है तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे जेनरिक होती हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप का मतलब क्या है अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे ये यह मेथड बना रहा हूँ मैं इस मेथड को हटा देता हूँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑब्जेक्ट जैसे इन लियो ना तुम यहाँ पे डाल दो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है अब यदि इसका इसका भी फायदा यही मिलेगा तुम्हें मतलब इसका भी फायदा यही है चाहे तो मैं इसमें इंटीरियर डाल दूँ चाहे मैं स्ट्रिंग डाल दूँ ये सबको लेके काम करेगा तो हमारे डॉट नेट के अंदर जेनरिक की जगह हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज कर दें तो भी ऑब्जेक्ट हमारा जो होता है वो भी जेनरिक डेटा टाइप ही होता है जेनरिक मतलब कुछ भी डाल सकते हो ठीक तो इसी काम के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है तो अब मैं इसको रन करूं यहाँ पे ये यह देखो ये हमारा आउटपुट आ रहा है सारे आउटपुट आ रहे हैं तो मैंने आपको ये बताया कि जेनरिक का रिप्लेसमेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ठीक हम यहां पर ऑब्जेक्ट डाल दें और वो तब भी काम करेगा तो ये जो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है जेनरिक का ही तो एग्जाम्पल है तो यही होता है हमारा जेनरिक जेनरिक मतलब जनरलाइज हर एक लैंग्वेज के अंदर होती है सी प्लस प्लस वगैरह के अंदर हम लोग टैंपलेट पढ़ते हैं वो यही होता है तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जेनरिक यूज करते हैं और जेनरिक बनाने के लिए हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं जेनरिक का मतलब होता है जेनलाइज अब आ जाओ इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब हम बात करेंगे यहाँ पे कलेक्शंस की अब हम यहाँ पर बात करेंगे कलेक्शन की तो ये जो हमारा कलेक्शन होता है ये जो हमारा कलेक्शन होता है ये एरे के तरह होता है लाइक एरे लेकिन इसकी अच्छी बात यह है ये डायनामिक होता है मतलब एरे में जैसे तुम वैल्यू डालते हो ना कलेक्शंस के अंदर भी आप वैल्यू डालते हो लेकिन जो हमारा एरे कलेक्शन होता है वो डायनामिक होता है और अच्छी बात यह है कि जेनरिक होता है जो हमारा कलेक्शन होता है वो लाइक एरे होता है लेकिन ये डायनामिक और जेनरिक होता है अब यहां पे कलेक्शन के लिए हमारे पास काफी चीजें हैं कलेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे जो नेम स्पेस है वो है सिस्टम डॉट कलेक्शन सिस्टम डॉट कलेक्शन नेम स्पेस के अंदर में सारे क्लासेस जिसके अवेलेबल है अब जैसे इसके अंदर हमारे कुछ क्लासेज हैं जैसे हम लोग यूज करते हैं हैश टेबल जैसे हम लोग यूज करते हैं एरे है है लिस्ट जैसे हम लोग यूज करते हैं लिस्ट जैसे हम लोग यूज करते हैं यहां पे नेम वैल्यू कलेक्शन नेम वैल्यू कलेक्शन ये सारे हमारे क्या हैं ये सारे हमारे कलेक्शन है इसका फायदा यह है कि भाई इसके अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो और इसके अंदर तुम मल्टीपल वैल्यू डाल सकते हो पहली चीज और दूसरी चीज ये कि किसी भी तरह का वैल्यू डाल सकते हो मतलब आप इसके अंदर एक मिनट मैं हाँ जी तो हम बात कर रहे थे कलेक्शंस की और कलेक्शंस के अंदर मैंने आपको बताया कि यहां पे हमारे पास

चाहे तुम पाइथन में पढ़ते हो पाइथन के अंदर भी हमारे कलेक्शंस होते हैं लिस्ट है सेट है है कलेक्शन तो पाइथन के अंदर चाहे कलेक्शन हो चाहे वो कलेक्शन हमारा जावा के अंदर हो चाहे वो कलेक्शन हमारा डॉट नेट के अंदर हो कलेक्शन का मतलब ये होता, होता, होता है ये डायनामिक होता होता है है डायनामिक का मतलब चाहे जितनी वैल्यू डालनी है जो भी डालनी है आप यहाँ पर डाल सकते हो तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन अब मुझे करना क्या है आई वॉन्ट टू टेबल मुझे हैश टेबल बनानी है तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ बोल देता हूँ एच ले लिया अब मैं, पे मैं to, to, यह यहाँ टेबल का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जो भी यहाँ पे ऐड करना है ऐड करो मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ वन कोई दिक्कत नहीं बहुत बढ़िया आप यहाँ पे जो भी वैल्यू ऐड करना चाहो आप यहाँ पे ऐड कर दो अब मान लो मैं यहाँ पे संतोष ऐड करना चाहूँ ये तब भी काम करेगा यदि मान लो मैं यहाँ पे अब एक चीज और याद रखना कि जब कभी भी हम हैश टेबल को ऐड करते हैं ये देखो ऐड करके मैंने ऐसे दिया तो ये एरर दे रहा है ये एरर क्यों दे रहा है अब मुझे क्या पता है एरर क्या है तो मैं कर्सर यहाँ पे ले जाता हूँ ये देखो यहाँ पे पता चल रहा ना यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं एक होता है की और एक होता है वैल्यू तो मुझे हर एक के लिए यहाँ पे की देना होगा तो मैं यहाँ पे देता हूँ की कॉमा ठीक मैं यहाँ पे बोलता हूँ बी कॉमा हमें हर एक के लिए यहाँ पे की देना होगा यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में डेटा जाती है यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में जाता है जैसे पाइथन के अंदर हमारा डिक्शनरी जाता है वैसे ही यहाँ पे ही होता है पाइथन के अंदर इसी काम को करने के लिए हमारे पास डिक्शनरी होता है अब यहाँ पे हम बोलते हैं तो ये डिक्शनरी का ही फॉर्मेट है यहाँ पे की होती है और यहाँ पे वैल्यूज होती है जो भी आपको वैल्यू डालना है यहाँ पर डाल ठीक तो अब आपने यहाँ पे हैश टेबल के अंदर सारे वैल्यू डाल दिए तो ये हमारा क्या है की है और ये हमारा वैल्यूज है आप जरा गौर करो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाले अब मुझे क्या करना है टेबल के अंदर जितनी भी चीजें उसे दिखाना है सबसे पहला काम तो यही करोगे तो यहाँ पे बोलता हूँ फॉरिच मैं बोलता हूँ फॉरिच के इन अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग फॉरिच अब मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग के इन और मुझे यहाँ पे के लेना है किस में तो मैं यहां बोलता हूँ एच एस डॉट किस एच एस डॉट किस तो मैंने यहाँ पर बोला फॉर एच ब्रैकेट लगा दो फॉर एच स्ट्रिंग के इन एच एस डॉट किच ठीक अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ मुझे वहां पे वैल्यूज दिखाने हैं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो और मैं यहाँ पे बोलता हूँ के ऑफ एच एस ऑफ के के से हमारा क्या मिल जाएगा की मिल जाएगा ना डॉट टू स्ट्रिंग जो भी चीज़ है डिस्प्ले करवा रहे हो मैसेज बॉक्स में उसमें टू स्ट्रिंग लगा दो अब यदि मैं इसको रन करूं अब मैं यदि इसे रन करूं तो यहां पर जो मैंने नंबर डाला है वो नंबर भी आ जाएगा जो हमने स्ट्रिंग डाला है वो हमारे स्ट्रिंग भी आ जाएगा सारी वैल्यूज को ये हमें सोकर करके दिखा देगा ये देखो ये देखो अब तुम बोलोगे सर इसका यूज क्या है क्यों यूज करें हम इसे भाई बड़ी सिंपल सी बात है मान लो मैं डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहा हूं मेरे पास एक टेबल है टेबल के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं फील्ड में तो कुछ भी हो सकता है ना

सपोज करो मैं यहाँ पे हैश टेबल को कोई जरूरी नहीं है मैं इस तरीके से दिखाऊं मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं मान लो मैं यहाँ बोलता हूं, बॉक्स, सो। अब मैं बोलता एच एस ऑफ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ जीरो डॉट टू स्ट्रिंग क्या ये काम करेगा क्या आधी मैं यहाँ पे इंडेक्स से देखना चाहूं वैल्यू को तो अब मैं इसको रन करता हूँ जैसे एरे में तो हम इंडेक्स से देख लेते हैं क्या हम यहां पर देख पाएंगे क्या अब ये बोल रहा है जी ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अरे भाई साहब इसको दिक्कत आ गई अब भाई साहब को दिक्कत क्या आ गई ये बोल रहा है जी इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यूज जीरो चलो वन करके देखते हैं रन करो अगेन बोल रहा है सिस्टम नल रेफरेंस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ये तमाम बातों को लेकर सामने आ गया तो याद रखिएगा हैश टेबल के अंदर आपको जब भी वैल्यू देखना हो ना तो जब कभी भी आप वैल्यू देखोगे तो वैल्यूज आप इस तरीके से नहीं देख सकते ये एरे नहीं है आप इस तरीके से वैल्यू नहीं देख सकते आपको जब भी देखना हो तो ऐसे देखना होगा अवधि में मतलब यहाँ पे की देना होगा की से ही आप वैल्यू देख पाओगे ये देखो जो भी आपने वहां पर डाला था वो आ गया दूसरी चीज मान लो मुझे यहां पे कुछ चीजें और ऐड करनी है मान लो यह मिडिल में इंसर्ट करना है तो मैं बोलता हूं एच एस डॉट इंसर्ट मैं यहां पर बोलता हूं एच एस डॉट और मैं यहां बोलता हूं ऐड ऐड के अंदर जो भी आपको यहां पे की देना है की डाल दो मान लो मैं की में हम कुछ भी हम यहाँ पे ये देखो ऑब्जेक्ट टाइप है ना ऑब्जेक्ट का मतलब ये जेनरिक है इसमें जो भी डालना है डाल दो अभी मान लो मैं यहाँ पे की दे दूँ वन वन कोई दिक्कत नहीं है और मैं उसका वैल्यू दे दूँ संतोष क्या दिक्कत है ठीक ये भी काम करेगा अब यदि इस वैलू को मुझे दिखाना हो तो हम दिखा सकते हैं अब मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे यहाँ पे ये यह पता करना है कि हैश टेबल के अंदर कितने आइटम्स हैं तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एच एस डॉट काउंट अब मैं यहाँ बोलता हूँ डॉट टू स्ट्रिंग तो ये मुझे बता देगा कि हैश टेबल के अंदर कितने वैल्यूज है मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो तो, मैसेज बॉक्स डॉट शो अब मैं बोलता हूँ एच एस डॉट अब मुझे यहाँ पे क्या करना है मुझे रिमूव करना है किसको रिमूव करना है बताओ तो वो जो भाई साहब है ना वो वन 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 वाले उसको रिमूव कर दो तो वन 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 यहाँ पर डाल दो अब वो भाई साहब रिमूव हो जाएंगे मतलब ये जो भाई साहब आपने डाले थे ये वाले भाई साहब यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे तो अब जब ये रिमूव हो जाएंगे रिमूव हो जाने के बाद मैं चाहूंगा ना काउंट करके बता दूं कि भाई अब कितने वैल्यू हैं तभी तो मुझे पता चलेगा रिमूव हुआ या नहीं हुआ कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्जी वाला रिमूव हो गया अब मैं इसको रन करूं ये देखो टोटल आइटम कितने थे फाइव अब जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया तो अब टोटल आइटम कितने बच गया तो मैंने आपको बताया हैश टेबल में आइटम ऐड कैसे करोगे हैश टेबल को दिखाओगे कैसे मैंने आपको बताया इंडिविजुअल आइटम को भी आप दिखा सकते हो मैंने आपको बताया कि आप हैश टेबल के अंदर जो हमारे की होता है उसमें कुछ भी डाल सकते हो वैल्यू में भी कुछ डाल सकते हो मैंने आपको बताया काउंट कैसे करोगे मैंने आपको बताया रिमूव कैसे करोगे अब आ जाओ मुझे यहाँ पर सर्च करना है तो मैं बोलता हूँ एच एस डॉट मैं यहाँ पे बोलता हूँ एच एस डॉट अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि भाई वो पर्टिकुलर आइटम हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है अब देखो यहाँ पे मेथड होता है कंटेन की एंड कंटेन वैल्यू तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कंटेन वैल्यू कौन सी वैल्यू मैं बोलता हूँ कि भाई क्या इसके अंदर जो है सेंट मैरी है क्या अब यहाँ पे सेंट मैरी तो कुछ है नहीं तो अब अभी मैं इसको मैसेज बॉक्स अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स में ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट सो और इंसान जो होता है देख हालसी होता है तो भाई लिखेगा कौन कॉपी कर लो तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ एच एस डॉट मैसेज बॉक्स डॉट शो एच एस डॉट कंटेंट वैल्यू डॉट टूए स्ट्रिंक ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है ये देखो अब सेंट मैरी वहाँ पर नहीं है वैल्यूज़ में तो कम से कम नहीं है तो वो मुझे क्या शो करेगा वो मुझे ये देखो फॉल्स दिखा रहा है ना फॉल्स का मतलब वो वैल्यू वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप सर्च कर सकते हो कि वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है और यदि मान लो मुझे यहाँ पर सर्च करना है मैं बोलता हूँ कंट्रोल सी और मुझे यहाँ पर पता करना है कि भाई संतोष है या नहीं है तो अभी मैं यहां पे बोलता हूं संतोष मैं यहां पे बोलता हूं संतोष और यदि मैं इसे रन करूं ये यह देखो यहाँ पे आ रहा है ये देखो ट्रू आया था ना तो इसी तरह से हम यहां पे कंटेंट करके देख सकते हैं कि भाई वो वैल्यू है या नहीं यदि मान लो मुझे यहाँ पे पता करना है कि भाई हमारा की है या नहीं है तो यहां पे बोल देते हैं कंटेन वैल्यू के जगह हम की को सर्च करना चाहते हैं तो यहां पे होता है कंटेन की कौन सा की सर्च करना है तुम्हें मुझे सर्च करना है कि वहां पे डी अवेलेबल है या नहीं है अभी मैं इसको रन करूं ये देखो ट्रू आ रहा है ना मतलब अवेलेबल है तो इस तरीके से हम हैश टेबल को लेके काम करते हैं का यही काम है जब कभी भी यहाँ पे वैल्यू डालना है हटाना है रखना है सारा काम कर लिया भाई सर्च से तुमने कर लिया अकाउंट तुमने कर लिया रिमूव करके देख लिया और अब ये हैजट टेबुल बहुत हो गया जी भाई साहब अब मैं इसको जो है ना बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्लियर और ये भाई साहब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे अब यदि आप यहाँ पर हैश टेबुल में अकाउंट लगाओगे क्लियर करने के बाद तो ये भाई साहब यहाँ पर मिलेंगे ही नहीं कुछ यही हमारा हैश टेबुल तो आपसे कोई बोले कि भाई टेबल क्या होता है तो याद रखना एक कलेक्शन है जो कि की एंड वैल्यू पेयर में काम करता है यह देखो अब यह वहां पे एक भी आइटम नहीं है जो कि आपने क्लियर कर दिया था ठीक तो हैश टेबल को यूज करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे ऊपर में लिखोगे यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन दूसरा काम आप क्या करोगे आप यहां पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना लो अपना यूज करते रहो जो भी यूज करना है याद रखना ये जो हमारा टेबल होता है ये जो हमारा टेबल होता है के साथ सबसे अच्छी बात ये है कुछ लोग इसको हैश टेबल भी बोलते हैं तो ये टेबल नहीं टेबल है, है। ये जो होता है हमारा ये क्या होता है ये कलेक्शन होता है इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्शन इट्स ऑफ कलेक्शन और कलेक्शन ही है तो वो तो जैनरिक होगा तमाम चीजें होंगी इट्स अ काइंड ऑफ कलेक्शन स्टोर द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू की एंड वैल्यू की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में वैल्यू को स्टोर करता है ठीक अब ये हैश टेबल के बाद ये हमारे जो नेक्स्ट भाई साहब हैं बड़े भाई साहब वो हैं एरे लिस्ट ये जो एरे लिस्ट है ये कुछ नहीं है ये बिल्कुल एरे के तरह होता है मतलब ये इंडेक्स को लेके काम करता है जो हैशटेबल था जरा गौर करा होगा आपने इंडेक्स को लेके काम नहीं कर रहा था ये जो एरे लिस्ट है बिल्कुल इंडेक्स की तरह काम करता है माने ये काम करता है ये देखो जहां पे मैंने हैशटेबल लिखा है यहां पे मैं कर देता हूं एरे लिस्ट और मैं इसको यही रहने देता हूं मैं इसको यहां पे एचएसए सी करता हूं ठीक है ना मैं यहां पे इसको एचएसए सी कर देता हूं एरे लिस्ट एचएस और जहां पे ये न्यू हैशटेबल है मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हूं, देता हूँ बाकी मैं भी रहने देता हूँ मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि अंतर क्या है आप जरा गौर करो ये एरे लिस्ट है अब इसमें जब आइटम ऐड करना है तो यहाँ पर हम बोलते हैं एच एस डॉट एड तो यहाँ पर बस आपको ये डालना है यहाँ पर बस की नहीं डालना है यहाँ पर की डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर की डालने की जरूरत नहीं, नहीं है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू डाल दो और उस वैल्यू को लेकर अपना काम कर लो जो भी वैल्यू है यहाँ पर डाल दो वो बिल्कुल एरे की तरह ये काम करेगा तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ अभी वो डिसकनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना मैं बोलता हूँ जो वैल्यू तुमने यहाँ पे लिया है तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे करवा सकता हूँ कर तब भी हमारा काम हो जाएगा जरा गौर करो बिल्कुल वही है टेबल की तरह लेकिन मैंने यहाँ से की हटा दिया और यहाँ पे की की वैल्यू नहीं होगी जैसे मैं एच एस ऑफ ए ए नहीं होगा ना यहाँ पे जैसे मान लो मैं यहाँ पे जीरो करूंगा तो ये अपना काम करेगा इंडेक्स को लेके काम करेगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पे काउंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे मैं रिमूव भी कर सकता हूँ जैसे मान लो मुझे हटाना है तो कौन से आइटम को हटाना है मैं बोलता हूँ एच डॉट रिमूव तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ जो भाई ये काम करो ये जो आपने यहाँ पे लिखा था क्या लिखा था आपने संतोष लिखा था संतोष को यहाँ से रिमूव कर दो तो ये संतोष को रिमूव कर देगा अब यदि मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो ये हमारा काउंट भी करेगा और यहाँ पे कंटेन वैल्यू नहीं होता यहाँ पे कंटेन वैल्यू नहीं होता वो केवल वही होता है तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एच एस डॉट

और मैं एक एक करके रन करता हूँ कैसे रन करोगे एक एक करके आप डिबक करोगे अपने प्रोग्राम को डिबक करने के लिए क्या करोगे पहले ब्रेक पॉइंट लगा दो रन करो <coughs> ये देखो अब ये यह हमारा पे आ जाएगा रुका अब एक एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं F10 तो मैं यहां पे करता हूं F10, यह देखो ऐड हो गया ऐड 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 हो 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 गया हो गया हो गया अब हम यहाँ पे फॉर लूप में लाते हैं एक एक करके वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं ये देखो आ गया आ गया हम F10 F10 कर रहे हैं कुछ ज्यादा हम नहीं कर रहा है F10, ये देखो अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है अब देखो पहले वैल्यू को शो कर दिया उसने अब देखो यहाँ पे काउंट करके बता दिया कितने आइटम है अब देखो उसने रिमूव कर दिया संतोष को अब काउंट करो तीन ही आइटम बचे सर्च कर रहा है कि वो है या नहीं है तो मुझे बता देगा हाँ वो अवेलेबल तो है ये अवेलेबल है यहाँ पे और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एच एच डॉट क्लियर अरे मैं इसको रिमूव कर दूँ तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एरे लिस्ट के अंदर ये वैल्यू डाल दिया ना मान लो मैं यहाँ पे बड़ा कचरा वैल्यू डाल रहा हूँ थोड़ा सा वैल्यू को सही तरीके से डालो ईमानदारी से तो मान लो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जेड 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 और मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए देख रहा है ईमानदारी से वैल्यू डाल रहे हैं बी 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 इंसान जो होता है स्वभाव से आलसी होता है ना वो चाहता है जल्दी से जल्दी शॉर्टकट में काम नहीं पड़ जाए तो मैं भी अपना वही कर रहा हूँ भाई मैं इंसान से अलग थोड़ी ये देखो अब जो वैल्यू है हमारा पे पे दे दिया अब मुझे मैं 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 एक काम कर सकता हूं। मैं बोल सकता बोल बोल देता शॉर्ट खत्म तो ये खुद ब खुद ना सॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देगा ये शॉर्टेड ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर देगा अब मैं इसको रन करूं यहाँ पे मैं यहाँ पे रन करूं तो एरे लिस्ट जो होता है वो बिल्कुल एरे के तरह होता है पहली चीज़ उसमें अब देखो पहले में हमारा क्या था ए ए था, तो को डिस्प्ले कर दिया चूंकि आपने शॉर्टिंग कर दिया है अब बाकी अपना काम कर रहा है ठीक तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा यहाँ पे एरे लिस्ट है एरे लिस्ट को लेकर हम इस तरीके से काम करते हैं ये भी वही है जो तुम्हारा हैश टेबल था हैश टेबल में एक समस्या ये थी कि हर एक आइटम के लिए तुम्हें की डालना पड़ेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना भाई हम की कहा तक डालते रहेंगे तो हम चाहते हैं कि जैसे हमारा पुराने जमाने में एरे होता था हम एरे के तरह भी यूज कर लें तो भाई आप यहाँ पे एरे लिस्ट लगा लो और अपना काम कर लो समझ में आई बात इसी तरह से एक बड़े अच्छे भाई साहब है यहाँ पे और एक भाई साहब है नेम वैल्यू कलेक्शन नेम वैल्यू कलेक्शन ये जो भाई साहब है ना नेम वैल्यू कलेक्शन ये बिल्कुल हैश टेबल की तरह होते हैं लाइक हैश टेबल लेकिन इनके साथ एक अच्छी बड़ी बात होती है कि मल्टीपल की मतलब आप सेम की असाइन कर सकते हो फॉर मल्टीपल वैल्यूज सेम की कैन असाइन फॉर मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज के लिए आप मल्टी मतलब ये असाइन कर सकते हो ये इसका फायदा होता है नेम वैल्यू कलेक्शन का कई जगहों पे जरूरत पड़ जाती है तो ये हमारे यहाँ पे हैश टेबल है मैं इसी को उठा लेता हूँ ये जो भाई साहब थे नहीं को उठा लेता यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूं अब देखो जहां पे तुमने ये लिया है ना ये सब टेबल और ये वो अब ऊपर में यहां पे हम कर देते हैं हम यहाँ पे लेते हैं यूजिंग हम यहां पे लेते हैं यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनरिक इसके अंदर एक जेनरिक होता है और इस जेनरिक के अंदर यहां पे एक होता है नेम वैल्यू कलेक्शन हम यहां बोलते हैं नेम वैल्यू कलेक्शन नेम वैल्यू मैं यहां पे लेता हूं कहा गया भाई क्यों नहीं आ रहा है स्पेशलाइज के अंदर होता है मैं गलत लिख रहा था यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं नेम वैल्यू कलेक्शन क्या देखो नेम वैल्यू कलेक्शन अब हम यहाँ बोल देते हैं एच ऑब्जेक्ट बना दो यहाँ पे न्यू नेम वैल्यू कलेक्शन डाल दिया जो भी आइटम डालना है डाल दो जो भी यहाँ पे आइटम डालना है डाल दो अब ये नेम वैल्यू कलेक्शन है अब जरा आप गौर से देखो मैं ए के लिए ही दो वैल्यू डाल देता हूं और यहाँ पे बी के लिए मैं दो वैल्यू डाल देता हूं मतलब सेम की के लिए मैं यहाँ पे एक ही की के लिए मल्टीपल वैल्यू असाइन कर रहा हूं ठीक है अब मैं इसको यहां पर शो करूं मैं इसको यहां पर शो करूं अब देखो यहां पर हमारा आउटपुट क्या आएगा अब मैं इसे रन करता हूं ये देखो ए के लिए ये दोनों आउटपुट आ गया ना अब देखो बी के लिए हमारा ये दोनों आउटपुट आ गया ना तो ये होता हमारा यहाँ पे नेम नेम वैल्यू वैल्यू कलेक्शन कलेक्शन का फायदा ये है बिल्कुल हैश टेबल की तरह ही है बड़ा भाई है उसका इसमें यह है कि एक ही की के लिए मल्टीपल तो वैल्यू ले सकते हो और नेम वैल्यू कलेक्शन जब भी यूज करोगे तो ऊपर में क्या लगाना होगा सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट स्पेशलाइज्ड ये स्पेशलाइज्ड के अंदर अवेलेबल है ऊपर में लगाना होगा यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट स्पेश इसी तरह से देखो यहाँ पे एक जेनरिक लिस्ट भी होती है यहाँ पे एक लिस्ट भी होता है आप लिस्ट भी यूज कर सकते हो ये देखो अरे तुम इतना कुछ नहीं करना चाहते हो तो ये डॉट नेट वाले बड़े स्मार्ट हैं इन्होंने एक जेनरिक लिस्ट बना के दे दिया है तो हम यहाँ पे बोल देते हैं हम यहाँ पर लेते हैं लिस्ट ये देखो जहाँ पे ये ब्रैकेट मिल जाए ना वो समझ लो जेनरिक है तो हम बोलते हैं जेनरिक लिस्ट अब लिस्ट में क्या डालना है मुझे इंटीजर डालना है एम एजिकल टू मैं यहाँ बोलता हूँ न्यू लिस्ट ये क्या है जेनरिक लिस्ट हो गया ना अब इसके अंदर वैल्यू डाल दो एम डॉट यहाँ पर देखो सभी जगह ऐड होता है ऐड ब्रैकेट लगाओ अब यहाँ पर सीधा सीधा अपना आइटम डाल दो जो भी यहाँ पर आइटम डालना है डाल दो डालते गए जो भी यहाँ पर आइटम डालना है डाल दो जो भी यहाँ पर आइटम डालना है डाल दो डाल दिए अब यहाँ सो करना है कर दो मैं यहाँ बोलता हूँ फॉरिच अब मैं यहाँ बोलता हूँ एंट आई इन जो हमारी लिस्ट का नाम है ले लिया और मैं यहाँ पे बोल देता हूं मैसेज बॉक्स डॉट सो मैसेज बॉक्स डॉट सो और मैं यहां बोलता हूं आई डॉट टू स्ट्रिंग तो ये अपना यहाँ पे काम कर रहा है अब यदि मैं इसको रन कर दू तो ये हमारा जेनरिक लिस्ट है तो यदि तुम हैश टेबल वगैरह यूज नहीं करना चाहते हो तो जेनरिक लिस्ट का यूज करके तुम इसके अंदर अपना यहां पर काम कर सकते हो आपको याद होगा ये वही है जो हमने जेनरिक क्लास बनाई थी ना तो ये ऑलरेडी बनी बनाई जेनरिक क्लास है तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं तो ये हमारा लिस्ट है अब इसके अंदर भी आप यदि आओगे तो यहां पर तमाम जो चीजें मिल जाएंगी सभी जगह काउंट होता है सभी जगह इंडेक्स होता है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मान लो मैं यहां पर बोलता हूं मैसेज बॉक्स डॉट सो मैसेज बॉक्स डिस्कनेक्ट हो जाएगा फिर से क्लिक कर देना कनेक्ट हो जाएगा तो मैं यहां बोलता हूँ आई डॉट मैं यहां बोलता हूं एम डॉट काउंट अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ एम डॉट काउंट डॉट टू स्ट्रिंग तो ये काउंट करके बता देगा कि लिस्ट के अंदर कितने आइटम है और क्या चाहिए आपको जान लोगे बेचारे की एक लाइन में इतना काम इसने कर दिया तो ये हमारा जेनरिक लिस्ट है तो हम लोग जेनरिक लिस्ट को भी यूज कर सकते हैं तो यही था हमारा कलेक्शन कलेक्शन के अंदर हम यही काम करते हैं ये देखो ये सारे वैल्यूज आ गए और तीन आइटम है वहां पर यह भी दिखा दिया उसने अब डॉट डॉट ये है हमारा यहाँ पे जेनरिक लिस्ट तो मैं इसको भी उठा के वहां पर डाल देता हूँ इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं तो इंटरव्यूज के ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई हमारा लिस्ट क्या है तो आप बता सकते हो लिस्ट हमारा कलेक्शन है ये जो हमारा लिस्ट है ये हमारा क्या है कलेक्शन है जेनरिक कलेक्शन है और क्या है जेनरिक कलेक्शन है इनबिल्ट होता है पहले से बना हुआ होता है इसी तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं नेम वैल्यू कलेक्शन इसी तरह से पूछा जाता है इंटरव्यूज का सवाल होता है कि भाई एरे लिस्ट में और हैश टेबल में क्या अंतर है तो हैश टेबल में तो की लगाते हैं हम एरे लिस्ट में इंडेक्स से काम करता है वो बिल्कुल एरे की तरह होता है समझ में आई बात तो ये थी हमारी जेनरिक एंड इसके बाद हमारा ये था कलेक्शन ठीक